और दूसरा फायदा है कि अगर जब वो इंसान चाहता है कि खूब घर में दौलतों की बारिश हो जाए जी खूब मालदार हो जाओ जी तो फर्मा एक आदमी एक ही नशीस्त में बावजूद बैठकर पिचहत्तर मरतबा इसकी तिलावत कर ले अच्छा और फरमाया अगर इकतालीस दिन कर ले तो इतनी दौलतें और बारिशें और इतना मालदार हो जाएगा कि इसकी सोच है जी। ये अजीब सूरत है वाह पचहत्तर मरतबा रोज कर ले इकतालीस दिन तक पाबंदी से फरमाया कि दौलत संभलेगी नहीं इसे इतनी अल्लाह करेंगे तो मतलब जी एक बड़ा बहुत जबरदस्त फार्मूला है बहुत जबरदस्त मतलब दौलतमंद होने, दौलत होने का है आसान है, हाँ। नहीं है बिल्कुल तो 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 पिछहतर दफा पिछहतर दफा पढ़ना, पढ़ना। साठ आयात है इसकी पिछत्तर मर्द लेकिन जिसको लगी हुई हो तो वो तो जनाब वो दुनिया के धंधों के लिए सर फटोर करता है तो ये तो घर बैठ के बावजूद बैठ जाएगा तो ये तो खुदा से बातें करेगा तो इसको तो और लुत्फ आएगा तो जिन लोगों ने इस पे अमल किया है वो हैरान है कि आज किस तरह मालदार होगी खुदाई जानता है ऐसी सा, सा, जो साठ आयतें जो हैं, ये तो तकरीबन चालीस मिनट की बात होगी जी बिल्कुल चालीस मिनट चालीस मिनट को पिछहत्तर इतना बस, आपका टाइम लग जाएगा एक दिन में एक दिन में और और इसको इकतालीस दिन तक आता पढ़ना, पढ़ना एक आदमी ने पढ़ना एक ही में एक ही नशिस्त में पढ़े एक अगर उसमें वजू नहीं रहता तो वजू करके आ जा सकता वो नशिश के टूटने के खिलाफ नहीं है जी तो वजू करके आ फिर उसे पढ़ना शुरू कर दे बीच में अगर कुछ खाना पीना है हल्का फुल्का वो इंसान अपनी सारे के लिखा रहे बाल लोगों की जो होती है वो वो सब चलेगा जी लेकिन ये करे तो ये ऐसा जबरदस्त फार्मूला है, कि जिन लोगों ने किया है वो आज है, है, है और बरस रही है और मुल्क के अंदर तो हमारे मुल्क में आ जाती है, पाकिस्तान इंडिया बंग्लादेश में हालात पैदा हो जाते हैं तो इसमें बड़ी तरह है कि सत्तर मरतबा रोजाना इज्तिमा इसका खत्म करें सत्तर मरतबा रोजान रोजाना, रोजाना।, रोजाना। वहाँ हमारे मुल्कों में सूरत आल तो मस्जिदों में ऐलान कर दें कि भाई यार सारे मुखद मिलकर सत्तर सत्तर मरतबा करें तो तो फरमाया कि ऐसी जबरदस्त चीज़ है कि जब सत्तर आदमी इसे एक एक दफा पढ़ेंगे सत्तर पूरा हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो फरमाया कि ऐसी अल्लाह की रहमतें और बारिशें बरसेंगी और ऐसे इनाम उतरेंगे कि मुलो खुशहाल हो जाएगा तो ये तो आसान सी बात है ये बहुत आसान मुल्क के हिसाब से मुल्क हिसाब से बहुत आसान है तो ये उसके अंदर करें और एक फायदा बड़ा जबरदस्त कि हामला औरत आपको पता हमल खुद कितनी बड़ी मुशक्त है उसकी पैदाइश कितना बड़ा मरहला है इसमें बड़ी तासीर है कि हामला औरत को जो है जब आखिरी दिन उसके आने लगे छह छह मिनट से ऊपर जब चले गए तो रोजाना ये शोरिया पढ़ के पानी दम करके पानी पिए खुद भी कर सकती है या कोई और पढ़ के उसके ऊपर दम भी कर दिया करे पानी पिला दिया करे बड़ी आसानी के साथ ये मरहल तय हो जाएंगे इनको पता भी नहीं चलेगा सहूलत विलादत के लिए जबरदस्त तासीर इसके अंदर सुबह और ये, ये तो शादी तो मुश्किल चीज़ है ये तो अल्लाह तासीर रखी है तो ये, ये तो हल मौजूद है हमारे आ, पास जी बिल्कुल है। बहुत बहुत। और जहाँ तक ताबीर का अगर ख़्वाब में किसी ने पढ़ी या सुनी तो इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक वाल इसकी दुआओं को कबूल करेंगे कबूल करेंगे और इसकी बड़ी बेहतरीन अच्छी जगह पर शादी होगी बहुत बड़ा वो है इनाम है बशारत है कि शादी भी एक बहुत बड़ा मरहला है जी, तो फिर मैं कि इसको बेहतरीन जगह पर शादी होगी और इसकी दुआओं को कबूल करेंगे जी, और दूसरा मतलब है कि अल्लाह इसके लिए दुनिया की के रिजक के दरवाजे खोल देंगे और ज़मीन से रिजक इसको मिलेगा ज़मीन से मिलने का मतलब भी उसकी जरात अच्छी हो जाएगी फसलें बागात अच्छे हो जाएंगे या जमीन में से कोई खजाना ऐसा दरियाफ्त हो जाएगा ऐसी जी। चीज तो ज़मीन में से अल्लाह तबारक व इसके लिए रेज का इंतजाम कर देंगे बार बार। तो ये बशारत है इसको खाब में देखने वाले के लिए बहुत खुर। बहुत खुर।